हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता, एक और नए कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी द अरावली सेक्टर 61 की कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये शायद ही आपको और जगह देखने को मिलेगी, पर मेरे चैनल के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक प्रोजेक्ट कवर करूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ लाइक आई बटन दबा दें। और अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम कोशिश करके उस प्रोजेक्ट को भी कवर करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना काम कर चुके हैं डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये है वो 60 मीटर का रोड जो डायरेक्ट हयात से आता है, और राइट हैंड साइड के अंदर आपको ये सीधा चला जाएगा आपका 60 मीटर का रोड, और आगे जाके रास्ता भी अभी बंद हो जाता है। पर यही रोड कनेक्ट करेगा आपको सोना से, जो आगे चल के फ्यूचर एक्सपेंशन है। और इसी रोड पे जब हम चलते हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर कट आता है, इसको अपर एक्सटेंशन बोलते हैं। ये है पूरी की पूरी 10 एकड़ की वो साइट जहाँ पर बहुत ही लो डेंसिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, ये एक और 60 मीटर का रोड जिसको अपर एक्सटेंशन बोलते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है क्लब ऑलरेडी बना के तैयार कर चुका है डेवलपर्स, बाकी अमेनिटीज अभी धीरे धीरे करके आएंगी। ये है पूरा का पूरा मार्किंग। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया थोड़ा सा छूट गया जहाँ EWS लेके आएंगे। EWS भी बिल्कुल आउट ऑफ द पॉकेट है, मतलब आपकी मेन सोसाइटी को ये कवर नहीं करता। ये सामने क्लब आपका आ गया, ऑलरेडी बन के तैयार है, 1,00,000 स्क्वायर फीट से प्लस का क्लब है। और मल्टीपर्पज़ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो आपको और आसपास के प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ, यस, ये सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इन्होंने एरिया बना रखा है जिसका नाम आता है आपका ग्रेट लॉन के नाम से, मतलब आपके जॉगिंग ट्रैक और इस तरीके के मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशल है। और टावर 1 और टावर बी, ए और बी है, दो टावर ही इन्होंने लॉन्च करे थे, फ्यूचर में दो टावर और लॉन्च करेंगे, तो टोटल 4 टावर आने वाले हैं। 2 साइड ओपन है ये प्लॉट, 60 मीटर राइट और 60 मीटर लेफ्ट। और अगर आप मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के व्यू बताऊं तो व्यू आने वाला है आपका अरावलीज़ का, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है पूरी द अरावलीज़। सेक्टर 61 एक बहुत ही प्राइम लोकेशन, ये स्पोर्ट जोन है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिख रहा होगा। ये भी इसका भी रास्ता इन्होंने यहाँ से दिया हुआ है बैक साइड से। इसके अलावा ये आपका इन्फिनिटी पूल भी लेके आने वाले हैं, बहुत ही प्यारा दिखता है जब ये बन के आएगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे राइट हैंड साइड के अंदर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ आएगा इन्फिनिटी पूल। तो कुछ अगर आप लोग रीसेल के अंदर यूनिट्स देख रहे हैं तो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, या अगर आप लोग बेचना चाह रहे हैं तो भी नंबर नीचे देकर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंदर मोर और लेस सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रंट का कुछ एरिया जहां पर शायद ही आगे चल के कमर्शियल लेके आएंगे, क्योंकि बहुत प्राइम लोकेशन है, 60 मीटर रोड के ऊपर आती है, यहां इनका फ्यूचर एक्सपेंशन कमर्शियल का ही है। तो बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।